IBN 9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर शहर को मिलेगी बड़ी सौगात, थैलेसीमिया हॉस्पिटल का होगा शीघ्र ही ब्लड सेंटर, ब्लड बैंक का शुभारंभ एवं आधुनिक थैलेसीमिया वार्ड निर्माण किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, सचिन वंदना शर्मा, उपाध्यक्ष रामस्वरूप मंत्री ने बताया कि थैलेसीमिया लोगों के खिलाफ पिछले 30 वर्षों से सतत अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी ब्लड बैंक आधुनिकीकरण फुल हो चुका है, लाइनेस प्रक्रिया भी सभी औपचारिकताएँ पूर्ण हो चुकी है। मध्य प्रदेश थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पीड़ित मरीजों का उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुविधाओं से लैस नए थैलेसीमिया वार्ड निर्माण का भी निर्णय लिया गया, जिसकी लागत 15 से 20 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं संपूर्ण रूप से थैलेसीमिया से जूझ रहे पीड़ितों का इलाज भी निःशुल्क किया जाएगा। जो ब्लड सेंटर खोला जा रहा है, किस प्रकार का रहेगा और किस प्रकार लोगों को लाभ मिलेगा इसका? मध्य प्रदेश में थैलेसीमिया हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर की जो स्थापना की गई है, करीबन जो है 50 लाख रुपए के जो इंस्ट्रूमेंट जो है कल्याणमय ट्रस्ट की तरफ से जो है अस्पताल को उपलब्ध कराए गए, और ये जो ब्लड बैंक है ये मध्य प्रदेश में एकमात्र थैलेसीमिया हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगी, और इससे जो है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जो है निःशुल्क ब्लड मिलेगा, और इसके साथ में सिकल सेल से पीड़ित बच्चों को भी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी इसमें। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में थैलेसीमिया का जो अभियान है पिछले इस वर्ष जो है रक्तदान और स्वास्थ्य रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जो है 4 शिविर लगाए जाएंगे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए, जिसमें निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा। एक शिविर जो है लगेगा मतलब विमला देवी तिवारी जी के नाम से, और एक रहेगा मतलब शिवपुरी वाले परिवार की तरफ से मणिशंकर शर्मा और सावित्री देवी शर्मा की स्मृति में रहेगा, और एक रहेगा मतलब अपने गायत्री देवी रघुवंशी जी परिवार की तरफ से रहेगा, तथा इन्हीं परिवारों की तरफ से निःशुल्क दवा का वितरण भी जो है 8 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर ये किए जाएंगे। आपका नाम? चंद्रशेखर शर्मा। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।